दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड सालिम रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, मटर की सीड हैं। देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज हम ग्रो करने वाले हैं मटर को। दोस्तों, कोकोपीट को मैंने थर्मोकोल के गिलास में भर लिया है। सभी गिलासों में मैं ड्रेंच होल भी बना लिया है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकलता रहे, ड्रेन होता रहे। कोई भी फल सब्जी या कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है कि कोई भी पॉट हो उसके अंदर ड्रेनेज होल का होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम सीड को निकाल लेते हैं पैकेट से। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सीड आप लगा रहे हैं तो किसी भी सब्जी का, तो उसमें सीड सही हेल्दी होना चाहिए, जिससे कि नए पौधे जल्दी ग्रो हों और उन पर भी जो सब्जियां हैं वो जल्दी आएँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके सीड अनहेल्दी होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो आपका पौधा ग्रो करने में परेशानी कर सकता है या फिर ग्रो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए सीड की क्वालिटी से कभी भी समझौता न करें, सीड हमेशा अच्छी क्वालिटी के लें। दोस्तों, सभी गिलासों में एक एक बीज लगाने के बाद में हमें हल्की बाल्टिंग करनी है। पहली बाल्टिंग हमें सही से करनी है, जिससे कि कोकोपीट अच्छे से गीला हो जाए और सीड की जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो सके। सीड को लगाने के बाद में कभी भी धार से पानी नहीं देना चाहिए। अगर आप धार से पानी देंगे तो सीड अपनी जगह से हट जाएगा, और जब अपनी जगह सीड हट जाएगा तो सीड सड़ सकता है, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप पानी दें, या फिर पहली बार आप बाल्टिंग कर रहे हैं तो किसी बड़े टब में गिलासों को रख दें, बड़ी जगह में रख दें, जिससे कि पानी नीचे से ड्रेनेज होल से ये कोकोपीट पानी ऊपर को सक कर लें। बाल्टिंग करने के बाद में हमें 2 से 3 दिन इनको छाया में रखना है। उसके बाद में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो डायरेक्टली सनलाइट में भी रख सकते हैं। 7 दिन हो चुके हैं, सभी सीड की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं। सभी गिलासों में हमने एक एक सीड लगाया है और सभी ग्रो कर पाए हैं। 3 दिन के बाद में हमने इनको डायरेक्टली धूप में रख दिया था। कुछ ऐसे गिलास हैं जिसमें पानी ज़्यादा होल्ड हो गया था, जिसकी वजह से लग रहा है कि सीड के सड़ने के चांस ज़्यादा थे, लेकिन लेकिन धूप तेज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, जो पानी था, वो उड़ गया और हमारे सभी पौधे हेल्दी हैं। चलिए दोस्तों, अब इनको हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर लेते हैं। हमने टैग लगा दिया था, 9 तारीख को हमने इनकी सीडलिंग की थी। चलिए दोस्तों, इनको हम बड़े स्पेस बड़ी जगह में शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं इनकी ग्रोथ किस तरह चली, किस तरह इनकी रूट्स बनी। तो यहाँ पर मैं दोस्तों ग्रो बैग का यूज़ करूँगा इनको ग्रो करने के लिए। वो पोर्ट जो दोस्तों होते हैं सीमेंट का या मिट्टी का, वो ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से हम छत पर नहीं रख सकते। दोस्तों, सामने जो आप देख पा रहे हैं 18 इंच का ये ग्रो बैग है, जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया है। तो चलिए, इसको मैं भर लेता हूँ मिट्टी से, और मिट्टी कौन कौन सी यूज़ करी है वो मैं आपको इसमें भरने के बाद बताता हूँ, कौन कौन सी मिट्टी हमारे इन पौधों के लिए चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें यूज करने हैं। दोस्तों, ग्रो बैग को पूरा फिल करने के बाद में मैंने कुछ एरिया छोड़ा है 3 इंच के लगभग, गुड़ाई करने के लिए या फिर बाद में फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, हमने जो ये मिट्टी सॉइल तैयार की है अपने पौधों के लिए, मटर को ग्रो करने के लिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र चाहिए हैं और कौन कौन से हमने इसमें मिलाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ली है नॉर्मल गार्डन की सॉइल, जो कि मेरे गार्डन की सैंडी सॉइल है। अगर आपके गार्डन की सैंडी सॉइल नहीं है तो आप अलग से सैंड मिला सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ होने में, रूट्स बनने में मदद मिल सके, क्योंकि जब सॉफ्ट मिट्टी होगी तो रूट्स सही से बनेंगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और बोन मील का भी यूज किया है, और थोड़ी मैंने नीम खली भी मिलाई है, क्योंकि फंगस के खतरे उससे बचने के लिए नीम खली या कोई भी फंगीसाइड मिलाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब हम बाल्टिंग करेंगे। बाल्टिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम पौधे लगाने के बाद में बाल्टिंग करते हैं तो पौधे एक साइड में झुक जाएंगे, जिससे कि पौधों में फंगस का खतरा हो जाता है। तो इसलिए पहले हम इसमें अच्छे से बाल्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में पौधे को लगाते हैं। दोस्तों, बाल्टिंग करने के बाद में मिट्टी अच्छे से गीली हो गई है, पानी अच्छे से मिट्टी में बैठ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इतने बड़े पॉट में 4 पौधे हम लगा लेते हैं। तो इस पौधे को मैं निकाल लेता हूँ गिलास से बाहर। तो देखो दोस्तों, कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी रूट्स की। अगर इसको बड़ा स्पेस मिल जाता, बड़ी जगह मिल जाती, तो ये काफ़ी, इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी नीचे तक पहुँच चुकी होती। तो चलिए दोस्तों, 4 इंच की मिट्टी हटा करके मैं इसको लगा देता हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरह के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो कोकोपीट में इनको ग्रो किया, इसलिए ग्रो किया क्योंकि इनकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाती है कोकोपीट में। उसके बाद में अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है।
तो इस तरह दूसरे पौधे की भी रूट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बन रही है, बिल्कुल ही वाइट कलर की रूट्स थी। तो इस तरह 4 इंच की मिट्टी हटा करके मैंने इसको भी ग्रो बैग में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों, सभी पौधों को ग्रो बैग में लगाने के बाद में हल्की बाल्टिंग और करनी है, जिससे कि इनकी रूट्स अच्छे से मिट्टी से चिपक जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो की फुल अपडेट मैं देता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और वीडियो को आने में भी काफ़ी समय लग जाता है। और दोस्तों, मटर की सीडलिंग करने का उस टाइम तक समय निकल चुका होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने प्लांट्स का अपना अच्छे से ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, बाय।